अभी मैं मौजूद हूँ नवाब शाह हॉस्पिटल में, जहाँ आज जाम साहब के करीब एक मुकाबला हुआ है क्रिमिनलों के साथ और दो क्रिमिनल मारे भी गए हैं। अभी मैं नवाब शाह सिटी के DSP साहब आसिफ आरंग के साथ हूँ, उनसे पूछता हूँ कि ये कैसे वाक़या हुआ है और कब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, ये जो वाक़या हुआ है क्रिमिनल के साथ मुकाबला हुआ है और वो मारे भी गए हैं, हमारे जवानों ने जो कामयाबी हासिल की है, तो आपका क्या कहना है इसी हवाले से? ये बड़ी शानदार कार्रवाई है हमारे नवाब शाह पुलिस की। सुबह 10 बजे दौड़ से कार जो है टोटा करोला वो चोरी हुई थी, उसकी बर वक्त इत्तला पुलिस को मिली, नाकाबंदी कराई गई और उसको चारों तरफ से बंद किया गया रोडों को। ये कार लेके जा रहे थे अपना जाम डतार की तरफ, आगे ऐसे चौक खड़ा हुआ था, इनके साथ एक मोटरसाइकिल भी थी 125। वहाँ उसने रुकने का इशारा किया, इन्होंने फायर किए पुलिस पर। फायरिंग के दौरान एक आदमी ज़ख्मी हुआ, उसको शिफ्ट किया गया अस्पताल में, रास्ते में वो दम तोड़ गया। फिर उन्होंने बाकी में उतर के जंगल में गए, ये कमाद की फसल थी उसके अंदर से उन्होंने फायर किया है। पुलिस की फायर से दूसरा बंदा मौके पर मारा गया है, तीसरा बंदा अभी भी अंदर है जिसको घेरा किया हुआ है पुलिस ने और वहाँ सर्च कर रही है। दो डेड बॉडियाँ लाशें यहाँ पहुँच गई हैं। हसन शर के नाम से एक आदमी की पहचान हुई है, दूसरे की फिंगरप्रिंट ली जा रही हैं, टीम अंदर खड़ी हुई है, इनका रिकॉर्ड और नाम सारे क्लियर किए जा रहे हैं। सर, ये जो कामयाबी मिली है वो नवाब शाह पुलिस थी या जाम साहब पुलिस? ये जाम साहब और दौड़ पुलिस थी। अच्छा, दौड़ पुलिस थी। ये जो वारदात हुआ है वो कहाँ से ये करके आ रहे थे? दौड़ से शुरू हुए फिर जाम साहब में जाके ख़त्म हुआ। माशाल्लाह से जो ये कामयाबी हुई है हमारे सिंध पुलिस की, नवाब शाह पुलिस की, जाम साहब पुलिस की, तो ये बहुत अच्छा ही काम है। और ऐसे ही ये जो क्रिमिनल हैं उनके साथ ऐसा ही कार्रवाई की जाए तो इंशाल्लाह ये जो हमारे यहाँ पे बदमनी है उस पर कंट्रोल किया जाता है। और कुछ नवाब शाह में भी बदमनी बहुत ज़्यादा है, उसके हवाले से आप कुछ बताएंगे? मदनी नवाब शाह सिटी के अंदर एक महीने से बिल्कुल खामोश थी, अभी 2-3 दिन से कुछ चोरी की वारदातें हुई हैं। एक दो SSP साहब अभी आए थे, उन्होंने भी ये बताया, उन पर हमारी नज़र है, इंशाल्लाह उन ग्रुपों को भी ट्रेस कर लेंगे जल्दी। जी नाज़रीन, हमारे साथ अभी मौजूद थे नवाब शाह सिटी के DSP साहब आसिफ आरंग। अभी मैं मौजूद हूँ नवाब शाह हॉस्पिटल के सामने एमरजेंसी में।